थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट, ये अपनी जिंदगी में आता रहता है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ नहीं आए। इस व्यासपीठ पर बैठकर हम भी आज तक आप लोगों के बीच में ये नहीं बोले कि आपको दुख नहीं आएगा। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि आपको दुख नहीं आएगा। दुख तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार, हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार दुख और सुख हमारे सामने आते ही हैं। हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार हमारे जीवन में दुख सुख तो हमारे सम्मुख में आते हैं। पर इतना जरूर है, हमने इस व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा या तकलीफ नहीं आएगी या कष्ट नहीं आएगा। इतना जरूर कहा कि आपकी जिंदगी में अगर दुख भी आ गया, तकलीफ भी आ गई, कष्ट भी आ गया, अगर आप एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहे तो वो दुख का तुम्हें भान नहीं होगा, वो कष्ट का तुम्हें भान नहीं होगा, वो तकलीफ का तुम्हें भान नहीं होगा। आपके जीवन में आपको वो दुख कब आएगा, कब चले जाएगा, कष्ट कब आएगा, कब चले जाएगा, कब तकलीफ आएगी, कब चली जाएगी, आपको भान नहीं होगा। अपनी चलती हुई जिंदगी में, अपने चलते हुए जीवन में, ये शरीर, हाथ पैर और हमारा ये एक एक इंद्री, चाहे वो पांच कर्मेंद्री हो, पांच ज्ञानेंद्री हो और एक मन हो, ये जितनी इंद्रियां हैं, जिंदगी में कभी ना कभी, बहुत लंबी जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, उस जीवन में कभी ना कभी तकलीफ जरूर आती, कष्ट जरूर आता है, पर उस कष्ट में, उस तकलीफ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को जो धारण कर लेता है, जो शिव तत्व को अपने भीतर उतार लेता है, उसकी जिंदगी में कब तकलीफ आकर चली जाती है, कब दुख आकर चले जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, आपका मन मान लो कथा में लग गया, आपका चित्त मान लो कथा में लग गया, पड़ोसन क्या बोल रही है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, गार्ड क्या बोल रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। ध्यान किसका जाता है, जिसका मन कथा में नहीं, जिसका चित्त कथा में नहीं, जिसका मन भगवान की ओर आसक्त हो गया, जिसका मन मेरे भगवान ओघड़दानी के प्रति समर्पित हो गया, जिसका चित्त भगवान की ओर आसक्त हो जाता है, फिर उसको पास वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहा है, नातेदार क्या बोल रहा है, कुटुंब वाला क्या बोल रहा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। एक बार यदि आपका मन, एक बार आपका चित्त, एक बार आपका वृत्ति, एक बार आपका दिल, एक बार आपका बुद्धि, एक बार आपका चित्त अगर परमात्मा में लग गया, एक बार आपका मन यदि भगवान में लग गया, फिर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बोल रही है, आपको उससे मतलब नहीं। मीराबाई का चरित्र कहता है, जहर का प्याला मीराबाई के सामने लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, खुद के परिवार वालों ने जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, सांप का पिटारा परिवार वालों ने भेज दिया, शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में, किसी दूसरे ने नहीं भेजा था, रिश्तेदारों ने भेजा था। पर मीराबाई का ध्यान शेर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान जहर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान सांप पर नहीं गया। मीरा तो भगवान गिरधर गोपाला के, मेरे ठाकुर के, मेरे कृष्ण के, मेरे कलुआ के, मेरे कृष्ण के,
भक्ति में ऐसी डूबी रही मीराबाई, ऐसी डूबी रही कि कब जहर अमृत बन गया, कब सांप माला बन गया और कब सिंह पास में से आकर निकल गया, ये मीरा को भी नहीं मालूम पड़ा। और लोगों ने पूछा, मीरा तुझे कहते, इसको अभिमत्ता कहते हैं और मुझे मेरे गुरु पर अभिमत्ता है, मेरे गुरु पर मुझे अभिमान है। और मुझे एक बड़ो रे अभिमान, गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरथ है, समरथ है गुरु अमरथ है। और मेरो क्या तो करेगो यमराज, के गुरु मेरो समरथ है, मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ। तुझे अभिमान किस चीज का? मीराबाई कहती है, मुझे अभिमत्ता मेरे गुरु की है, क्योंकि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरु जी ने जो मुझे धीरज दिया, मेरे गुरु जी ने जो मुझे सहनशीलता दी, मेरे गुरु जी ने जो नम्रता दी, मेरे गुरु जी ने मुझे एक अखंड भगवान की भक्ति दी है। और उसने कह दिया गुरु जी ने कि कहीं भी क्रोध नहीं करना, कहीं अपशब्द नहीं कहना, कहीं किसी पर अपशब्दों का बौछार ना करिएगा। गुरु ने, मीराबाई कहती है, मुझे नम्रता दी है, गुरु जी ने मुझे सहनशीलता दी है, मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया और उसमें अखंड भगवान गिरधर गोपाला का जाप भी दे दिया, ये मेरे गुरु ने दिया। हमने कल की कथा में कहा था, कल की कथा में देवाधिदेव महादेव के चरित्र में जब हम श्रवण कर रहे थे तो आपको कहा था, भगवान धन दे देता है, दौलत दे देता है, सत्ता दे देता है, वैभव दे देता है, प्रतिष्ठा दे देता है, कुर्सी दे देता है, पद दे देता है, तुम्हें जंगल में भेजकर भजन भी करवा देता है, तुम्हें संत साधु गुरु तपस्वी वक्ता श्रोता सब बना देता है, भगवान तुम्हें दुनिया भर का ठाठ दे देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान सहनशीलता केवल अपने भक्त को ही दे पाता है, सहनशीलता अपने भक्त को ही प्रदान करता है। भगवान तुम्हें खुद कुर्सी दे देगा, पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, यश दे देगा, संत बना देगा, साधु बना देगा, वक्ता बना देगा, श्रोता बना देगा, तुम्हें जो ऊंचे से ऊंची कुर्सी है भगवान तुम्हें वहां तक ले जाकर बिठा देगा। पर सहनशीलता मेरा शंकर नहीं देता, सहनशीलता मेरा शिव उसी को देता है जो मेरे शंकर के गुणगान में लगा रहता है, जो शिव भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करना जानता है, भगवान उसको धीरे धीरे सहने की आदत डाल देता है। सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो, सहते रहोगे तो एक दिन वो भगवान देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए आकर खड़ा होगा और अंत में उसका जवाब मेरा देवाधिदेव महादेव ही दे। शिव तत्व को प्राप्त करो। घर में दाल बनाती हो? अरे बोलो तो जम के। हाँ। चावल बनाती हो? ठीक है। हाओ। चलो बताओ जल्दी से कैसे बनाती हो। दाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जम के बोलते जाओ जल्दी से। दाल लेना पड़ती है, फिर पानी में डायरेक्ट डाल देते हैं? नहीं, पहले क्या करते हैं? उसको धोते हैं। एक पानी में धोते हैं कि दो पानी में धोते हैं? दो पानी में धोते हैं। धोने के बाद फिर उसको कुकर में रख देते हैं, फिर उसको कुकर में रखते हैं, फिर उसको भगोनी में रख देते हैं, फिर उसको पात्र में रख देते हैं। दाल बनाने के लिए दो बार धोना पड़ता है, तीन बार धोना पड़ता है, चावल बनाने के लिए दो तीन बार धोना पड़ता है, फिर वो कुकर में रखाता है। उसी तरह जैसे तुम दाल बनाते हो तो दो तीन बार धोकर साफ कर
कुकर में रख देते हो, उसी तरह मेरा परमात्मा भी संसार में तुमको दुख और सुख में खूब धोता है और धोने के बाद फिर अपने दिल रूपी कुकर में रख लेता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जैसे तुम दाल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, चावल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, उसी तरह परमात्मा भी तुम्हें किसी के शब्द से, अपशब्द से, तानों से, गाली से, आड़े तेड़े व्याख्यान से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में, मेरा बाबा भी तुमको धोता रहता है, धोता रहता है। और जब तुम आखिरी में एकदम साफ हो जाते हो तब मेरा देवाधिदेव महादेव दिल रूपी कुकर में तुमको बिठा कर रख लेता है। फिर परमात्मा भी धोने का काम करता, परमात्मा भी साफ करने का काम करता। आप कितने क्लीन हुए, आप कितने साफ हुए। भगवान शरीर से कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता। भगवान शरीर से कभी स्वीकार नहीं करता। तुम सोचो कि तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं बहुत सुंदर हूं तो मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं ज्यादा विद्वान हूं, मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मेरे पास में पद और कुर्सी है तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं, तुम्हें भगवान के मंदिर में जल्दी दर्शन मिल सकता है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान ये तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं, ये तुमको आगे ले जाकर बिठा सकते हैं, ये तुमको भगवान के मंदिर में जल्दी पहुंचा सकते हैं। पर ईमानदारी की बात शिव पुराण की कथा कहती है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें परम धाम तक नहीं पहुंचा सकते। परम धाम तक तो तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारे भगवान शंकर की अविरल भक्ति, राम कृष्ण की अविरल भक्ति, परम धाम तक मेरे गिरि गोवर्धन नाथ जी की अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हें परमात्मा की अविरल भक्ति ही पहुंचा सकती। परम धाम तक तुम्हें केवल परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचा सकती, इसके सिवाय कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। इसलिए अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने। ये संपूर्ण पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर तक आगे ले जाकर जरूर बिठा देगी, मंदिर में मूर्ति का दर्शन भी करा देगी, भगवान के सामने ले जाकर खड़ा भी कर देगी। पद, प्रतिष्ठा, पहचान ये सब, पैसा तुम्हें मंदिर के अग्रण्य ले जाकर रख देंगे, तुम्हारे गले में माना भी पहना देंगे, तुम्हारा सम्मान भी करा देंगे, पर पद, प्रतिष्ठा, पहचान और पैसा
परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकता। शिव महापुराण की कथा में इसलिए देवदत्त महादेव की पूरी पुराण को पढ़कर देखना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण बाजार से ले आओ और बाजार से लेने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखो। उस पुराण में लिखा हुआ है शंकर भगवान को कोई पैसे वाली चीज नहीं चढ़ी, शिव जी को चढ़ी तो केवल जल चढ़ा, शहद चढ़ा, दही चढ़ा, दूध चढ़ा, पंचामृत सामग्री चढ़ी, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ी, भगवान शंकर को कनेर का पुष्प चढ़ा, भगवान शंकर को साधारण पुष्प चढ़ा, शिव जी को साधारण से साधारण चीजें जो कि बिना पैसे के आपको मिल सकती। अपने घर में वृक्ष लगा लो, बेलपत्र मिल जाएगा। अपने घर में पौधा लगा लो, फूल मिल जाएगा। अपने घर में गौ माता को पाल लो, दूध मिल जाएगा। अपने घर में गौ माता को रख लो, दही मिल जाएगा। अपने घर में जल भी है, अपने घर में बेलपत्र भी है, अपने घर में दूध भी है, अपने घर में बेलपत्र पुष्प सब अपने घर में। शंकर जी की सेवा में, शिव जी की पूजन में पैसे का कोई काम नहीं है, धन का कोई काम नहीं है। शिव जी की पूजन में अगर चाहिए तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। जितने दिल से तुम शिव को भजोगे उतनी जल्दी तुम्हें शंकर में। शिव को धन की जरूरत नहीं है। मेरे भोलेनाथ जी को अगर धन की जरूरत होती तो बैकुंठ में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो ब्रह्मलोक में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो इंद्रलोक पर निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को जरूरत होती तो सोने की लंका में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो कुबेर के सिंहासन पर मेरे भोलेनाथ बैठे हुए होते। पर मेरे भोलेनाथ धन के लिए नहीं, कोई आया लंकाधिपति रावण जैसा आता है जिसको सोने की लंका दे देते हैं, चोर चोरी करने मंदिर में आता है उसको कुबेर का सिंहासन दे देते हैं। भगवान जो मेरे शिव जी के पास में आता है भगवान उसको उठाकर अंबारियां धन दौलत संपदा सब कुछ दे देते हैं। और मेरे देवदत्त महादेव कैलाश पर जहां ना मकान है, ना घर है, ना कोई कंदरा है, ना कुछ है, ना वहां पर कुछ भोजन का है, ना वहां पर कुछ रहने का है, ऐसे कैलाश पर दुनिया के लोगों का भंडार भरकर मेरा कुबेर भंडारी तो कैलाश पर निवास कर लेता है। उसको धन की जरूरत नहीं, उसको वैभव की जरूरत नहीं, उसको सत्ता की जरूरत नहीं, उसको सामग्री की जरूरत नहीं, उसको तो दिल की जरूरत है। जिस दिन तुम मेरे ओघड़दानी को दिल से पुकारोगे, जिस दिन ओघड़दानी को दिल से तुम पुकार लोगे, जिस दिन हृदय को पवित्र बनाकर एक लोटा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाने के लिए पहुंच जाओगे, उस दिन मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली भर जरूर देगा, ये निश्चित है। और जिस दिन दिल से, जिस दिन प्रेम से, जितने भाव से, हृदय से तुम शिव को रिझाओगे, मेरा ओघड़दानी तुम्हारे करीब में हो। क्या चाहिए भोलेनाथ जी को? सोने का मुकुट? अरे जम के बोलो जरा। नहीं, सोने चांदी के कड़े? नहीं, हीरे जड़े हुए हार? आकर्षण से शिव कभी नहीं मिलते, शिव मिलते हैं समर्पण से। आकर्षण से शिव नहीं मिलेंगे। आप दुनिया का कितना भी दिखावा कर लो, आप दुनिया का कितना भी आडंबर कर लो, उससे मेरे शंकर नहीं मिलेंगे, मेरा शिव मिलता ही नहीं। आकर्षण से शंकर नहीं मिले, आकर्षण से भगवान शंकर कभी नहीं मिलते। भगवान को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। आप आकर्षण से रिझाओगे मेरा शंकर नहीं मिलेगा। जिस दिन तुमने समर्पण अपने भीतर का भाव मेरे देवदत्त महादेव को दे दिया, अपने भीतर का भाव जिस दिन तुमने देवदत्त महादेव को समर्पित कर दिया, अपना पूर्ण समर्पण आपने भगवान देवदत्त महादेव को दे दिया, वो कहते ना तन मन धन सब
कुछ तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश समर्पण दीजिए। आकर्षण से भगवान शंकर को नहीं रिझाया जा सकता। आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप ट्रस्टियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप समितियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप परिवार वालों को रिझा सकते हो, आकर्षण से शंकर को कभी नहीं रिझा सकते। शंकर को रिझाने के लिए तो तुम्हारा समर्पण मूल होता है। समर्पण बाबा बैद्यनाथ जी के धाम झारखंड की पवित्र भूमि पर कावड़ चढ़ाने कभी गए हो? सुल्तानपुर से कावड़ लेकर बहुत बहुत साधुवाद है आपको, प्रणाम करता हूँ। जो आप इतना लंबा सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक कावड़ लेकर गए उसके लिए साधुवाद, आपको प्रणाम नमन। हम आपसे पूछें, बिल्कुल सरलता में बोलिएगा, चाहे तुमने सीहोर की कांवड़ भरी हो, चाहे तुमने बाबा धाम की कांवड़ भरी हो, कांवड़ भरने के लिए जब जाते हो सोने के जेवर पहन कर जाते हो? जम के बोलो नहीं। नहीं। चुन्नी ब्रेस पहन के जाते हो? नहीं। खूब हीरे जवाहरात पहन कर जाते हो? नहीं। जब मेरे बाबा शंकर के पास जाते हो आकर्षण से मुक्त होकर, एक साधारण सी टी शर्ट पहन ली, कहीं उस पर लिखा हुआ था बोलबम का नारा है बाबा है, साधारण सी टी शर्ट, साधारण सा तुमने कहीं नीचे धोती लपेट ली, साधारण जिससे चलने में दिक्कत ना है, ऐसा कोई वस्त्र तुमने साधारण सा पहन लिया जिसमें ना हीरे लगे हैं, ना रतन लगे हैं, ना माणिक लगे हैं, ना मोती लगे हैं, ना उसमें अंबारियां लगी हैं, साधारण, एकदम साधारण। साधारण एकदम साधारण। एकदम सहज, उसमें कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण, बिना आकर्षण, बिना। यहां के विधायक आई हुई है क्या? विधायक आई है, मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, पधारे। अगर यहाँ की विधायक महोदय आई हो, बिना आकर्षण नहीं आई? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, बिना आकर्षण के मेरे शिव को रिझाने के लिए आप और हम कांवड़ लेकर जाते हैं, बिना आकर्षण, जिसमें हमारा कोई आकर्षण नहीं है। हम ना रतन, हम ना माणिक, ना हम मोती, ना हम जेवरात, कुछ नहीं। हम कैसे जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में? कई माताएं कहती हैं गुरुजी कांवड़ में हम सीहोर आए तो हमको वहां पर क्या मिलेगा? तो हम कहते हैं तुम सीहोर आओ तो वहां पर तुम्हें केवल कुबेर भंडारी मिलेगा।
लोटे तुम्हारे, डंडा तुम्हारा, तुम डंडा वहां से नहीं लेके आओ, सीहोर से खरीदो, पर डंडा तुम्हारा, लोटे तुम्हारे, जल सीवन मैया का, जल सीवन महारानी का, और अपने घर से भी थोड़ा थोड़ा जल लेकर आओ तो वो आपकी बहुत बड़ी मेरे देवदत्त महादेव की कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा। कि कावड़ हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं, जल हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं। और 17 तारीख शनिवार अगस्त के महीने में प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे, 8-9 बजे सुबह प्रयास करेंगे कि 8 से 8:30 के बीच में, 9 बजे के बीच में जब ट्रेनें पूरी पहुंच जाती हैं तब कावड़ प्रारंभ हो जाए, और बाबा का नाम लेते लेते आप और हम सब पैदल चलते 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 कुबेरेश्वर बाबा के उस धाम में पहुंचकर कंकर शंकर की शिला पर अपना जल समर्पित करें। आकर्षण से भगवान नहीं रीझेगा। जो कांवड़ भरने वाले हैं वो ध्यान रखना, और शिव महापुराण की कथा में आने वालों से भी निवेदन करेंगे, सोने का आभूषण पहनकर कभी कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में आना या सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना, आपके सोने के आभूषण पहनकर मत आओ, सोने का मंगलसूत्र पहनकर मत आओ, सोने के सामान लेकर मत आओ, ज्यादा धन दौलत संपदा लेकर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर सीहोर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर कथा में मत जाओ, ढेर सारा धन लेकर भगवान के दरवाजे पर नहीं जाना। अपने को तो उल्टा कुबेर भंडारी से मांगने के लिए जाना है कि तू हमारी झोली भर देना, इतनी कृपा कर देना। बिना आकर्षण के, दिखावे के नहीं आना, हमें बिना दिखावे के जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है आकर्षण से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण से। शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण भाव से। रावण के पास में सोने की लंका है, रावण के पास में सोने का मुकुट है, रावण के पास में धन है, रावण के पास में संपदा है, रावण के पास में सत्ता है, रावण के पास में वैभव है। रावण ने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर रखा था, रावण ने सारी सत्ता को अपने अनुकूल करके रखा था, पर जब रावण कैलाश पर भगवान शंकर का भजन करने के लिए जाता था, जब रावण, आप अपनी पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए, आपको मिलेगा रावण जब शंकर भगवान की पूजन करने बैठता था तो मुकुट उतार देता था, जेवर उतार देता था, आभूषण उतार देता था, केवल कंधे पर यज्ञोपवीत जो एक ब्राह्मण की निशानी है, कंधे पर यज्ञोपवीत, मस्तक पर त्रिपुंड, द्वादश तिलक रावण, और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर शिव की आराधना करता था। रावण के पास में जब सोने का मुकुट था, रावण के पास में जब वैभव था, रावण के पास में जब सत्ता थी, रावण के पास में दुनिया भर की अंबारियां थी, तो रावण वो सब पहनकर क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि रावण को मालूम है कि सारे दुनिया के देवताओं को रिझाने के लिए आकर्षण की जरूरत पड़ेगी, पर शंकर को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, शंकर को रिझाने के लिए समर्पण की जरूरत पड़ेगी। किसी दूसरे को रिझाना हो ना तो आकर्षण दिखाओ, पर भगवान देवदत्त महादेव को रिझाना है तो उसमें आकर्षण नहीं, समर्पण दिखाओ। तुम्हारा समर्पण कितना है? तुम्हारा समर्पण कितना है? तुम कितने समर्पित हो? तुम कितने भगवान के प्रति जागरूक हो? यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा समर्पण का भाव कितना है? यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, तुम्हारा समर्पण श्रेष्ठ मेरे शिव आकर्षण के भूखे नहीं होते, मेरे शिव समर्पण के भूखे होते हैं। समर्पण और शंभु शर मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद जी, डॉक्टर सिया राम साहू जी, पूर्व विधायक जी आए हैं, मैं दोनों से निवेदन करता हूं आप व्यासपीठ का पूजन करने पर धारे। एक समर्पण आपका हो, और जब समर्पण आपका होगा तो भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमको अवश्य प्राप्त हो।
आपके समर्पण के बल पर। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, जितने मेरी बेटी बेटा यहां बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, जितनी मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं उनसे निवेदन, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि भगवान के मंदिर में जाना, दुनिया को रिझाने के लिए मत जाना, भगवान के मंदिर में जाना, दुनिया के दिखावे के लिए मत जाना, भगवान के मंदिर में जाना, कथा में जाना तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, भगवान के मंदिर में जाना तो मेरे भोलेनाथ को पूर्ण समर्पण करने के लिए चले जाना, पूर्ण समर्पण। और जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, जिस दिन हम समर्पित भाव से कार्य करेंगे, जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, हमारे देवदिदि महादेव के प्रति हमारा समर्पण प्रबल होगा, उस दिन सुख का एक आनंद अपने आप समाहित हो जाएगा। एक समर्पण पूर्ण, दुनिया को रिझाने के लिए आप श्रृंगार करो मना नहीं, पर मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए ऊपर का श्रृंगार नहीं, मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए भीतर का श्रृंगार करना, आत्मा की शुद्धता करना। मेरे शंभु बाबा को रिझाने के लिए आत्मा की शुद्धता करना, भीतर की शुद्धता करना। और जिस दिन तुम्हारे भीतर की शुद्धता हो जाएगी, तुम एकांत में बैठो, अकेले तुम अकेले बैठो एकांत में, और अपने आप में तुम मनन चिंतन करो एकांत में बैठकर, अकेले एकांत में बैठकर अपने आप का मनन चिंतन करना कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, मेरे मुख से किसी के लिए गाली तो नहीं दी, मैंने किसी के हृदय को दुखाने का कार्य तो नहीं करा। आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक तरफ भगवत स्मरण कर रहे हो, दूसरी तरफ मुख से अपशब्द कह दो, ताने दे दो, या गाली दे दो, या आड़ा टेढ़ा कह दो, या किसी का दिल दुखा दो, उससे श्रेष्ठता नहीं बनती। मेरे मन की पवित्रता कितनी। अभी ये कथा तो यहाँ पर 18 तारीख से चालू हुई है, 24 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, 24 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी, और 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा में गिरधर कॉलोनी, भोपाल सागर बाईपास जो रोड है विदिशा में, भोपाल सागर बाईपास रोड विदिशा में, तो विदिशा में गिरधर कॉलोनी में 30 जून से 6 जुलाई तक कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम हमने दिया है बेत्रवती शिवमहापुराण की कथा। कभी अगर मौका मिल जाए, और जितने विदिशा के आसपास के रहवासी हैं उनसे तो निवेदन करेंगे कि गिरधर कॉलोनी में पहुंचकर भोपाल सागर बाईपास पर विदिशा में आप बेत्रवती शिवमहापुराण की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करना। और जितने आस्था चैनल और यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रयास करना कि इस कथा को श्रवण करना, इस कथा में बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में ऐसा बेत्रवती बेतवा नदी का जो उद्गम है उससे लेकर माँ यमुना से मिलन तक के बीच में माँ बेत्रवती ने कितने कितने जीवों का कल्याण करा। कितने पौधे प्रकट करे, किन पुष्प के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना कर ली, ये सब संवादों को हम बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में श्रवण 1 बजे से 4 बजे तक। और जो विदिशा के आसपास के भक्त हैं वो अवश्य श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। शिव को आकर्षण नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए।